शहर के लोगों की प्यास बुझाती जीवन दायिनी शिवनाथ नदी की साफ सफाई को लेकर दुर्ग नगर निगम पूरी तरह अग्रसर है। दुर्ग महापौर ने कहा है कि समय समय पर टीम लगाकर नदी की साफ सफाई की जा रही है। दुर्ग भिलाई के लोगों की प्यास बुझाने वाली जीवन दायिनी शिवनाथ नदी की साफ सफाई को लेकर दुर्ग नगर निगम पूरी तरह से अग्रसर है। वहीं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा है कि समय समय पर टीम लगाकर नदी की साफ सफाई के साथ ही चित्रों को पानी से अलग कर दिया जा रहा है। साथ ही किसी कार्यक्रम के तहत नदी के तट पर फैली गंदगी को भी तुरंत हटा लिया जाता रहा है। साथ ही कहा कि आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए शिवनाथ नदी में बहकर आने वाली जलकुंभियों के चलते इंटकवेल में फंस जाने के कारण पेयजल सप्लाई प्रभावित हो जाती है, जिसके चलते दुर्ग नगर निगम द्वारा समय से पूर्व पुलगांव नाले से जलकुंभियों को साफ कर पानी के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है। इसे लेकर न्यूज टीम को महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले मैं शिवनाथ नदी को प्रणाम करता हूं। हम सब की जीवन दायिनी दुर्ग भिलाई के लगभग 11 लाख लोगों के कंठ की प्यास बुझाने वाली शिवनाथ नदी की सफाई को लेकर लगातार नगर निगम द्वारा टीम भेजी जाती है और लगातार इसकी सफाई होती भी रहती है। बीच बीच में कहीं से ऐसे शिकायत आती है, वहाँ पे कोई कार्यक्रम हुआ रहता है तो उसमें गंदगी बढ़ती है, तो हम लोग उसको तुरंत तत्काल सफाई भी कराते हैं। जैसे कि सब हम लोग जानते हैं कि पुलगांव नाला डाइवर्शन का काम चल रहा है, तो पुलगांव नाला डाइवर्शन का काम पूरा होने के बाद शिवनाथ नदी की सफाई में और फर्क आएगा और अच्छी हो जाएगी। और रही बात जलकुंभी की, जैसा आप पूछ रहे हैं, तो जलकुंभी भी लगातार नगर निगम के द्वारा साफ कराई जाती है। अभी भी जलकुंभी बरसात को देखते हुए सफाई कराई जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।